भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने डाल्टनगंज में एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णानंद त्रिपाठी द्वारा पिस्तौल लहराए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी इस हरकत को देखकर बंदूक की नोक पर बूथ लूटने का वो पुराना जमाना याद आ गया जब ऐसी घटनाएं चुनावों में आम हुआ करती थी। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, असल में ये कृष्णानंद त्रिपाठी की गलती नहीं है, चुनावों में पिस्तौल लहराना तो कांग्रेस का वास्तविक चरित्र है। लेखी ने कहा, यह बड़ी चिंता की बात है कि अभी भी कांग्रेसी नेता वही कारनामा दोहरा रहे हैं जिसके लिए पुराने जमाने में वो जाने जाते थे, जब बूथ बंदूक की नोक पर लूटे जाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीयता की बात करते हुए राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर दिया और कांग्रेस अपना गरीबी हटाओ का नारा ही भूल गई। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में छिटपुट घटनाओं के बीच पहले चरण के लिए 13 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। शनिवार को वोटिंग के दौरान पलामू जिले में चैनपुर के कोसियारा गांव में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला देखने को मिला। घटना के वायरल वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी KN त्रिपाठी रिवॉल्वर लहराते हुए नजर आए। वहीं एक अन्य घटना में नक्सलियों ने बिष्णुपुर में एक पुल को उड़ा दिया। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 64.72% मतदान दर्ज किया गया, जो पहले विधानसभा चुनावों से लगभग 1.5% अधिक है।